हेलो जी, सौरव जोशी एंड फैमिली के इतने वायरल होने के बाद अब इंडिया में हर तीसरे बंदे को व्लॉगर बनना है। अब व्लॉग को वायरल करवाने के चक्कर में कुछ लोग अपनी बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड या अपनी एक्स की बेइज्जती करते हैं या उनको एक्सप्लोइट करते हैं। अब क्योंकि जो यंगस्टर हैं, कम उम्र के लड़के हैं, उनको जो लग्जरी लाइफ है वो देखने में मजा आता है, तो अब लोग व्लॉगिंग में जो नेचुरल रहने की जगह बस अपनी महंगी कार, बाइक, इनका शो ऑफ ही करते रहते हैं। अपने ब्लॉग के अंदर महंगी कारें दिखाएंगे लेकिन फिर एक छोटे से दुकानदार के साथ 20 या 30 हजार रुपए का स्कैम भी कर देते हैं। और कुछ ब्लॉगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉस और अपने सब्सक्राइबर की जान तक खतरे में डाल देते हैं अपने कंटेंट के लिए। लेकिन एक ऐसा ब्लॉगर है जो ये सारी चीजें करता है, पास्ट में वो मेरे दोस्त थे। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने के पहले ही मैंने फॉलोवर लिस्ट और फॉलोइंग लिस्ट में से उनका नाम हटाया क्योंकि भाई ना थोड़े से बदमोश है। तो इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक हिंट दिया कि जिस बंदे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कंटेंट से ज्यादा अपनी कार और बाइक का शो ऑफ करता है। सबसे बड़ी बेइज्जती की बात पता है क्या है? जिन लोगों का फॉलो करते हो और आपके सब्सक्राइबर्स, सभी ने आपका ही नाम लिखा था। UK07, नहीं मैं इस नंबर प्लेट की नहीं, इस बंदे की बात कर रहा हूँ। UK07 राइडर ये एक मोटो ब्लॉगर है। अगर तुम्हें नहीं पता कि इंडिया में मोटो ब्लॉगर का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप एक मोटर ब्लॉगर हो तो आपको टाइटल के अंदर एक कार या बाइक जो महंगी हो उसका नाम डालना है, फिर चाहे सेंस बने या ना बने। सोचा नहीं था H2 लेने से पहले ऐसा होगा भुवन बम से मिलके। ये पूरा ब्लॉग जो बीबी के वाइस की ताजा खबर उसके प्रीमियर का है, इसके अंदर H2 से क्या लेना देना, H2 छोड़ो लेम्बर्गिनी पे आते हैं। आखिर अपनी न्यू लेम्बर्गिनी की डिलीवरी फाइनल हो गई दुबई में। आखिर अपनी न्यू लेम्बर्गिनी उरस मिल गई दुबई में। न्यू लेम्बर्गिनी उरस दुबई में, लेम्बर्गिनी उरस अपनी लेम्बर्गिनी, फाइनली न्यू लेम्बर्गिनी। अरे भैया थक गया हूँ मैं। लेम्बर्गिनी चलाई जाने ओ। तुमने लोगों को लेम्बर्गिनी चलाते हुए तो देखा होगा, मैंने एक लेम्बर्गिनी को किसी का चैनल चलाते हुए देखा है। देखो, एक मोटो व्लॉगर बनने के लिए तुम्हें दो चीजें बार बार बदलनी पड़ती है, पहली बाइक और कार और दूसरी गर्लफ्रेंड। इस लड़की के साथ दुबई में न्यू सुपर कार, फाइनली इकरा के साथ दुबई में न्यू घर, फाइनली इकरा को प्रपोज शादी, इकरा को फाइनली गुड बाय। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो मेरा पॉइंट ये है कि थोड़े दिनों पहले व्यूज के लिए टाइटल में जहाँ लेम्बर्गिनी थी, अब एक लड़की इकरा आ चुकी है। जो लड़की एक वीक पहले सिर्फ दोस्त थी वो दुबई जाते ही प्रपोज शादी, और गेस व्हाट, इन दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी आ गया। तो कुछ फुद्दू ब्रो मम्मी तो कुछ फुद्दू ब्रो सेना को मैं बता दूं कि ये प्रपोजल नहीं, ये म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन है। अब क्योंकि ये एक एक्सपोज वीडियो है तो हम लोगों को पास्ट में जाना पड़ेगा एक साल पहले। एंड मेरे पास सब चीज का मेल स्क्रीनशॉट है, एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि यू नो आई लेफ्ट हर, आप मुझे बताओ यू नो, जो लड़की मेरी फैमिली को इज्जत नहीं दे सकती, जो लड़की उन लोगों से जा करके मिल गई जिनके बारे में वो दो हफ्ते पहले एक वीडियो बना रही थी कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता, एक साल पहले एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी UK07 वर्सेस आमिर माजिद, और उस कॉन्ट्रोवर्सी में मैंने खुद UK07 को सपोर्ट किया था क्योंकि आमिर ने अपने डिस्ट्रिक्ट का टाइटल रखा था UK की। उत्तराखंड जैसी देवभूमि पे ऐसा टाइटल रखना कोई जाहिल ही कर सकता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर UK की जो एक्स है उस पर रेसिस्ट कमेंट है। और द पॉइंट इज कि उस कंट्रोवर्सी के बाद UK और उसकी एक्स का ब्रेकअप हो गया था। अब देखो, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक ब्रो सेना हूँ और अनुराग भाई मेरे पापा हैं। तो चलो, उनके कहने पे मान लिया मैंने कि उनके पास्ट में उनकी एक्स गलत थी और इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया। पर ब्रेकअप के बाद उनकी एक्स सेविया केसी ने महीनों तक अपना चैनल नहीं चलाया, जो खुद एक मोटो व्लॉगर थी। उन्होंने कंट्री ही छोड़ दी और रेयरली उन्होंने तब से लेके अब तक UK के बारे में कुछ खराब बोला है या गलत बोला है या उसकी इमेज को खराब करने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया। लेकिन इधर UK07 अनुराग भाई ब्रेकअप के एक साल बाद भी, मैं उस बंदी का स्टैंड ले रहा हूँ और जो बंदे उस पे वीडियो बना रहे हैं वो उसी को जाकर के भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा ये वो है। आप सोचो कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन क्या होगा। मैंने कहा यार इसके लिए तो स्टैंड ले रहा हूँ मैं। अनुराग भाई, मैंने माना कि पॉडकास्ट के अंदर तीन चूती आपसे पर्सनल क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन उनके मसाले के लिए अपनी एक्स जिसके साथ एक टाइम पे आप रिलेशनशिप में थे उसके खिलाफ एक्यूज करना, उसको गलत प्रूव करना, इवन बदनाम करना,
भाई थोड़े तो बड़े हो जाओ। और हाँ, ये चीज सिर्फ मैं नहीं, आपकी खुद की भी ऑडियंस बोल रही है कमेंट सेक्शन में। यू हैव डन अ लॉट फॉर मी एंड आई लव यू लाइक हेल। आप मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जिंदगी का। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी का कुछ उद्धार हो पाता। लेकिन देखो, एक मोटो ब्लॉगर बनना बिल्कुल इजी काम नहीं है। आपको ना खुद के एक्सीडेंट करवाने पड़ते हैं हर महीने। इन लोगों ने BMW और हायाबुसा को क्रैश कर दिया। ये क्या हुआ, अपनी मुस्टैंग के साथ जयपुर में टप्पर क्रैश हो गया। BMW पर घर आते वक्त बड़ा रोड रेज, सोचा नहीं था ओडिशा जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाएगा। इको का एक्सीडेंट क्रैश, सोचा नहीं था राइड पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। सोचा तो ये भी नहीं होगा कि क्रेजी थी वीडियो बनाएगा। सोचने वाली बात ये है कि आए दिन मोटर ब्लॉगर्स के एक्सीडेंट होते हैं, टाइटल बनते हैं, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन खरोच नहीं आती। भयंकर प्रणव भैया, क्या हो गया? एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। हम ब्रो से ना एकदम अंधी लगते भाई हैं। हमें समझ नहीं आता कि जब आप कैमरा लेके पहुंचे तभी वो बंदा एकदम से खड़ा हो गया। क्या हो गया? Oh my God, guys, I'm really sorry, bro. I'm really sorry. So guys, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा। और क्या डाल सकते टाइटल में? Lamborghini लेने के पहले सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सीडेंट होगा। इकरा ने मांगी दुआ। खैर, let's talk about some serious points. नहीं, ये भीड़ देख के ये मत समझना कि कोई सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई है तो बच्चे खड़े हैं। ये है ब्रो सेना। तो UK07 राइडर जब भी किसी सिटी से गुजरते हैं तो वो वहां पे मीटअप्स करते हैं। हेलो जी, तो बाबू भैया आ रहे हैं इंदौर, तो ये लोकेशन है भाइयों। एक दोस्त के साथ तीन दोस्तों को लेके आना है, तुम्हें बहुत ज्यादा भीड़ लगानी है बाबू भैया के जलवे दिखाने। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि पहले तो ये स्टोरी डालते कि गाइस 200 मेंशन कर दो, फिर जब वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते फिर बोलते हैं सोचा ही नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। ऑब्वियसली भाई आएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे अगर 500,000 फॉलोवर है तो 500 लोग भी आएंगे तो भीड़ तो दिखेगी। लेकिन जब आप इतनी बड़ी गैदरिंग कर रहे हो उसके पहले कुछ चीजें जान लो। शोर शराबा मॉल जैसी जगह में डिस्टरबेंस, ये भी हो सकता है कि जो तुमने फैन मीट करी है वो आपस में ही लड़ ले। इस केस में अगर 5 से ज्यादा लोग भी होते ना तो वो एक अनलॉफुल असेंबली एक्ट होता है। लेकिन आप 100 से 500 लोग इकट्ठे कर रहे हो बिना किसी पुलिस परमिशन के, ये एक क्रिमिनल एक्ट है वैसे। इतनी आवाज कर रखी तुमने यार, जो इनलाइन 4 है, इनलाइन 4 है सर, कुछ भी बाइक पे बैठ के हाईकोर्ट का सब काम है। जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां पे कुछ कांड हो जाए, जब बस ट्रैक्टर और ऐसी चीजें चलती है और वहां पे इसके फैंस चिल्ला चोट करते हैं या आगे पीछे निकलते हैं, तब वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस आके चाहे इसके फैंस को डंडे मारे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है भाई। लेकिन अगर बेचारी पुलिस अपना काम धंधा छोड़ के इसकी भीड़ को नियंत्रित करने आती है, इसे निकालने आती है या इसे अरेस्ट कर लेती है, तो फिर गेस व्हाट, उस पुलिस वाले को भी थंबनेल और टाइटल में डाल दिया जाता है बिना परमिशन के अपने कॉन्टेंट के लिए। आजकल की हमारी जनरेशन को ना यार विलन के अंदर हीरो देखने में ज्यादा मजा आता है। फिर चाहे हर्षद मेहता हो, वो एक स्कैमर था लेकिन हमारे लिए हीरो, फिर वो मुन्ना भैया हो, पुष्पा हो, ऐसे ही ना भाई यूट्यूब पे अगर कोई यूट्यूबर लो को तोड़ रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है, तो अरे बाबू भैया के तो जलवे हैं भाई हैं। पुलिस अगर इनसे कागज मांगे इनकी बाइक को पकड़ ले तो ये छूटने के लिए सीधे IPS को कॉल लगाते हैं। लेट मी कॉल आनंद मिश्रा IPS। अब व्हाट्स योर नेम, यू शुड रिस्पेक्ट। आनंद भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेट मी गेट इट। ठीक 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 ठीक, सॉर्टेड, 5 मिनट में गाड़ी छूटेगी भाई। पहली बात की जो बाइक है वो पूरी मॉडिफाइड है, नॉन RC कलर कोडेड, लाउड एग्जॉस्ट और हाई स्पीड, और ये सब होने के बाद चेकिंग से जल्दी छूटने के लिए IPS जैसी पोजीशन का मिसयूज। IPS जो कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो इतनी बड़ी पोजीशन है, वो इसलिए मेहनत नहीं करते कि भैया यार देश के लिए कुछ करना है, वो इसलिए मेहनत करी है उन्होंने कि जब बाबू भैया की बाइक पकड़ा जाएगी तो मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। खैर, थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला कि बाबू भैया की वजह से उन IPS के ऊपर भी बाद में कुछ लीगल एक्शन हुए थे। लेकिन जो वर्स्ट पार्ट है कि यूट्यूबर्स कैसे चूतियापों के बाद कमेंट सेक्शन में उनकी ऑडियंस उनको कूल समझती है। अब लास्ट पॉइंट मेरा यही है, इन यूट्यूबर्स की फुद्दू ऑडियंस। मैंने कहा फड्डा हो गया ना किसी से, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि भयंकर जाओ जाकर के उसके साथ ये करो वो करो, बस उसे पकड़ के
गाइस पता ही आपको क्या करना है। एंड वैसे भी आजकल लोगों का कर्मा स्पैम हो ही रहा है, पता तुम्हें? अनुराग भाई दंगे करवाना है क्या बच्चों से? मैं बहुत प्राउड होकर के बोल सकता हूँ यार कि मेरे पास एक ऐसा परिवार है जो भाई सुनता है कि क्या करना है। कभी हमारी किसी से फड्डा बुड्डा लड़ाई होगी ना तो भाई ये लोग तो उसे खत्म ही कर देंगे। ऑलरेडी लोगों को ना कर्मा कर्मा बोल के खत्म कर। मेरा पॉइंट ये है कि अपनी ऑडियंस और अपने फैन की पावर का मिसयूज करना। आज ये मेरे साथ हो रहा है, आज अनुराग डोभाल ने अपनी यूट्यूब पावर का गलत यूज करके मेरे साथ करा है, कल को किसी और के साथ भी करेगा। ये जो बंदा है ये करण है, इसकी हरिद्वार के अंदर एक फोन की शॉप है। UK07 ने कुछ टाइम पहले जब iPhone 14 लॉन्च हुआ था तो वो इन्हीं की दुकान से खरीदा था। हमारे पास iPhone 14 Pro Max 1TB हम लोगों को फाइनली मिल चुका है। Woohoo, guys! Clearly, तुम लोग देख सकते हो कि UK07 ने बोला कि ये iPhone 14 1TB वेरिएंट है, लेकिन दो महीने बाद जब इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो आप लोगों को मेरा ये आईफोन वाला सीन तो पता ही होगा। जहां से मैंने फोन खरीदा था केस एंड कवर्स, वहां पर ना एक दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जब मैंने फोन खरीदा था ना तो मैंने ना 1TB फोन खरीदा था। करण से मैंने फोन खरीदा था, जिस दिन मैं फोन खरीदने गया था ना तो मैं 1TB वेरियंट खरीदने गया था, बट द थिंग वॉज उस बंदे के पास उस दिन 1TB फोन अवेलेबल नहीं था। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि जब आपने 128GB वेरियंट खरीदा था तो अपनी वीडियो के अंदर आपने क्लियरली बोला कि मैंने 1TB लिया, तो ऑडियंस से झूठ क्यों बोला? पॉइंट टू बी नोटेड। पहले 128GB वेरिएंट लेते हैं जिसको कल वापस देने वाले थे, लेकिन उसके अंदर सिम डाल देते हैं, उसको चालू कर देते हैं, अब वो फोन सेकेंड हैंड हो गया, लेकिन इनको पूरे पैसे चाहिए, उसको पूरा रिफंड चाहिए। तो भैया आपको समझ नहीं आती कि वो सेकेंड हैंड हो गया फोन, उसके पूरा पैसा कैसे मिलेगा? सेकेंड, पहले तो अपनी ऑडियंस को झूठ बोला कि मैंने 1TB लिया है, ऑब्वियसली झूठ बोला है, लेकिन वो ऑडियंस इससे क्वेश्चन करने की जगह कि यार बाबू भैया आपने हमसे झूठ क्यों बोला, अभी वही ऑडियंस को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि वो उल्टा उस दुकानदार को जाके गालियां दे रही है। और जो लोग भी ये व्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए, इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए, ना मेरे को मेरा फोन दिया, ना मेरे साथ, ना मेरे को मेरा फोन दिया। गाइस इस वीडियो के बाद एक मामूली दुकानदार करण जो किसी फोन बेचता है उसको यूके की ऑडियंस ने गाली दी, इवन थ्रेट दिए, और ये होता है पावर का मिसयूज करना। और मेन रीजन इस वीडियो को बनाने का, यूके भाई आपकी फेकनेस। ये है आम जिंदगी। ट्रस्ट मी, अगर कोई फोन्स एंड कोई भी एक्सेसरीज अवेलेबल करा सकता है वो भी इतने मस्त प्राइसेस पे, तो ही इज द वन। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा। ये है मेंटोस जिंदगी। ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। मेंटोस करण जो कि एक मामूली सी दुकान चलाता है, उसने यूके को 128GB का वेरिएंट बिना किसी एडवांस या बिना किसी पेमेंट के दे दिया कि वाह ठीक है यार भैया 4 दिन आप दिखा दो, उसके बाद मैं आपको 1TB प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको उस फोन का पूरा पैसा भी नहीं मिला और जो भी मिला है वो 10 दिन बाद मिला है। इवन जो करण है उसने पास्ट में भी बाबू भैया एक UK07 की बहुत हेल्प की थी। वॉइस अभी रात के बज रहे हैं 1:30 एंड बाबू भैया जब स्टोरी लगाते हैं ना तो ब्रो से हेल्प करने के लिए आई जाती है। हेयर वी हैव गॉट करण भाई एंड जो वॉच हमें चाहिए थी रात के 1:30 बजे ही गॉट इट फॉर अस। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एंड हियर इज करण पाजी फ्रॉम हरिद्वार। इनका एक स्टोर है, किस नाम से भैया आपका? केस एंड कवर। तो ये हरिद्वार में आपको स्टोर मिल जाएगा गाइस। ये पाजी रात को 12:30 बजे हमारा नया iPhone 13 Pro Max देने है। थैंक यू सो मच पाजी। पास्ट में एक बंदा जो रात को 12:30 बजे रात की 2:30 बजे मेरी हेल्प करता है, और अब जब मैं अपना मतलब पूरा कर लेता हूँ तो उसकी दुकान की और उस बंदे की इमेज की धज्जियां उड़ा देता हूँ। ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए भी लिए। एट द एंड एक छोटी सी शायरी हो जाए। रिलेशनशिप के वक्त प्यार, पर ब्रेकअप के बाद मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। फैन मीट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, लो क्या होता है IPS की पावर को मिसयूज कर लूंगा। भीड़ में तो यार मिलना है मेरे को अपने फैन से, लेकिन जब अकेले हो तो फिर मैं पूरा इग्नोर कर दूंगा। जरूरत पड़ी अगर रात को 2:30 बजे तो यार थैंक यू यार पाजी, पर अब जब गरज पूरी हो गई तो उसकी दुकान की माँ चुप। आई होप कि जो मैं बोलना चाहता हूँ तुम्हें समझ में आ गया हो। ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो, एंड हाँ अनुराग भाई सही कहते हो यार आप, कर्मा सब देख लेगा। कोई बम ना खींचू मैं दम, ना किसी से कम मैं सबका बाप, सबसे हार्ड मत लगनाथ बिना कोई बात।